जी, मैं नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी नौकरी अच्छा कर रहा हूँ। और अच्छा अच्छा प्रॉपरली मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं पहली बार आया हूँ, वन डे किया यहाँ पे। और गुरुजी, मुझे इतना प्रसन्नता हुई, इतनी अच्छी लगी कि अच्छा लगा कि मैं अब दरबार से पूरी तरह जुड़ जाना चाहता हूँ। और फिर बोला 6 महीने बाद आओ। 6 महीने बाद गए तो फिर बोला कि उसमें कैंसर है, और लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो पूरे शरीर में फैल चुका है, अब कीमो लगेगा। परम पूज्य बाबा माँ को नमन। गुरु खुश हो जी के बेटा, चरण में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जी कहाँ रहे तो बेटा? गुरु जी, मैं नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी नौकरी अच्छा कर रहा हूँ। और अच्छा प्रॉपरली मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अच्छा और मैं पहली बार आया हूँ, वन डे किया यहाँ पे। और गुरु जी, मुझे इतना प्रसन्नता हुई, इतनी अच्छी लगी कि अच्छा लगा कि मैं अब दरबार से पूरी तरह जुड़ जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, और जो वन डे का जो पुण्य है गुरु जी, वो मुझे फील हो रहा है पर्सनली। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिल्कुल मुझे बेटा, अच्छी लग रही है। किंतु गुरु जी, मैं विशेषकर इस बार अपनी माता जी के लिए आया हूँ, अच्छा क्योंकि वो बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है कोई गुरु बात जी। नहीं, अभी माता जी की बात करेंगे। अपने पहले आप देख लीजिए, सारे रोग कष्ट आपके जो गए मिलान कर लीजिए। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, चक्कर आना, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, यूरेथ्रा में सूजन, अपराध कराने वाली अपराधी की स्मृतियाँ, साइको बनाने वाली स्मृतियाँ, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था, कामुक विचार आते थे, सर्वाइकल पेन, मल त्याग में कष्ट होना, व्यभिचार कराने वाली स्मृतियाँ थी, अत्यधिक क्रोध आना, पैनक्रियास में सड़न हो रहा था, आंखों में धुंधलापन, वीर्य नाश होना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, सुनकर पूरा ना समझ पाना, लीवर सिरोसिस, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, घबराहट बेचैनी बनी रहना, नींद अनियमित, कैंसर की स्मृतियाँ थी, पैनक्रियास में, गले में, लीवर में, रेक्टम में, भोजन नली में और यूरेथ्रा में। ऐसा ही अब ये सब गंदगी गई, जो लीवर और ये सारा गल ब्लैडर सब गड़बड़ हो रहा था। ये सब अच्छा हुआ, स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। आंखें कमज़ोर होती जा रही थी, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, नर्व डैमेज हो रही थी, जी गुरु ब्रेन में जी, क्लॉटिंग थी, ब्रेन स्ट्रोक की भी स्मृतियाँ थी आप में, जो सब बेटा नष्ट हुई है ना। अब आप बिल्कुल अच्छे हो, कोई भी कष्ट अब आपको नहीं है। जी गुरु अब जी, माँ के बारे में बात करें जी गुरु जी, तो, अगर मेरी माँ के बारे में बात करेंगे तो फोटो निकालिए माता जी के। गुरु जी, मेरी माता यहीं पे है, अगर आपकी विनती हो तो आप मैं। फोटो निकालो, ऐसे ही देख लेंगे, तुम आँख बंद करो हम देख लेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं। तुम्हारी माता जी को विशेष रूप से इनके पेट में दर्द रहना, चक्कर आना, इनकी सांस फूलना, गले में घाव, जोड़ जोड़ में इनको दर्द होना, रोमेटिक आर्थराइटिस, शरीर में गांठें कई जगह, फूले सड़ रहे थे, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। हाँ, जी गुरु जी, और बेटा पेशाब करने में जलन होना, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, गर्भाशय में, ब्रेस्ट में और गले में, लंग्स में सूजन, पैरालिसिस की स्मृतियाँ, लंबर स्पाइन गल रही थी। थायराइड ग्लैंड्स भी उनकी बड़ी हुई थी। गुरु जी, अभी मतलब इनका कैंसर स्टेज 3rd पे और 4th के बीच में चल बताया रहा तो है कैंसर कहाँ का बताया डॉक्टर ने? कैंसर सर, AIG हॉस्पिटल हैदराबाद में हम लोग दिखला रहे कैंसर हैं, कहाँ का बताया शरीर में? पेनक्रियाज का बता रहा है, और वो बोल रहे अभी हैं। अब बताते हैं हम आपको कहाँ पे। डॉक्टर साहब आपके नंबर एक के बेवकूफ। देखिए कैंसर कहाँ है, लीवर सिरोसिस, रेक्टम में, गर्भाशय में, ब्रेस्ट में और गले में। इतनी जगह कैंसर है। और पैनक्रियास का जो कैंसर है वो तुमको है, ठीक है, तुम्हारा ही पर्चा है, पढ़ लो। वो स्मृति तुम्हारे में है,
जो माँ की तरफ ट्रेवल करती है, लिखा तुम्हारे पर्चे में, पेनक्रियास में सड़न तुम्हारे में थी, माँ में नहीं थी, वो स्मृति थी जो ट्रेवल करती थी। गुरुजी एक बात बोलनी है, ये देखो तुम्हारा ही पर्चा था ना, ये दिखाया था जी गुरुजी, पढ़िए ठीक से क्या लिखा है, देखो यही पर्चा तुम्हारा था जी जी, लिखा है नीचे पेनक्रियास निष्क्रिय था जी, आपका जी गुरुजी, तो पेनक्रियास में कैंसर माँ को नहीं तुमको था। गुरुजी एक और बात, हाँ हाँ गुरुजी, ये पिछले 20 साल से शुगर की पेशेंट है डायबिटिक, और इंसुलिन लेती है, पिछले 20 साल से ये शुगर की पेशेंट है डायबिटिक। पढ़िए वो भी लिखा है, पढ़ लो, पढ़िए पढ़ दो बेटा। आपकी माँ को पैनक्रियाज में केवल गलन है और लिवर सिरोसिस के कारण पेट में दर्द होता है, और वो भी दवा के कारण गलन है, इंसुलिन बढ़ी हुई इसके कारण, ऑलरेडी इंसुलिन बन रही है बॉडी में और ऊपर से अलग से आप दवा ले रहे हो, वो इंसुलिन को और बढ़ा रही है, उससे पेनक्रियास गल रहा है, अभी वहाँ कैंसर नहीं है, कैंसर की स्मृतियाँ आप में थी। अभी कल जब हम महाहवन करेंगे तो उसमें तमाम जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ वो नष्ट होंगी, ठीक है, अभी आपको स्लिप मिलेगी, कल आप एक महाहवन कर लीजिए गुरुजी, अपने को रखिए और माँ को रखिए। एक आखिरी बात गुरुजी, एक्चुअली आपने जो बोला बिल्कुल सही है, मतलब वही चीज़ें हो रही है, एक्चुअली 10 महीने पहले इनको पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, फिर पता चला उसमें पेट में पथरी है, हड्डी है, पत्थर है, डॉक्टर ने पत्थर को निकाला और फिर बोला 6 महीने बाद आओ, 6 महीने बाद गए तो फिर बोला कि उसमें कैंसर है और लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो पूरे शरीर में फैल चुका है, अब कीमो लगेगा, पर हम कीमो नहीं लगाएं, सबसे पहले हमारे दरबार पे और आप पे भरोसा था, मेरे एक मित्र ने कहा था यहाँ जाओ, तो मैं हम भागे सबसे लड़ झगड़ झगड़ के अपने परिवार वालों से माँ को लेकर यहाँ आए दरबार में गुरु जी के। अभी तो आप आनंद में खड़े हो ना, आपको कष्ट है ना, आपकी माँ को कष्ट, आप भी कष्ट के नाम पे जीरो हो, आपकी माताजी भी कष्ट के नाम पे जीरो हैं, ये डॉक्टर साहब 100 इंजेक्शन लगा के भी नहीं कर सकते थे, दर्द ही नहीं हटा पाते, कष्ट और तो छोड़ दीजिए रोग है, तो अब ना आपको कष्ट है ना आपकी माँ को कष्ट है, दोनों ही टनाटन खड़े हो, जो बताया गया है वो कल करिए प्रातःकाल, ठीक है जी, उसके बाद फिर अपना जाँच आँच कराएँ, जो डॉक्टर आपके कहें वो करिए, फिर आपको जो अच्छा लगता है आपको जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, खुश हूँ।